तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हम लोग सेकंड एपिसोड, जैसा कि प्लेसमेंट टॉक्स आप लोगों को पता ही है मैंने स्टार्ट किया है, तो आज इसका सेकंड एपिसोड हम लोग शूट करने जा रहे हैं। और आज मैंने अपने स्पेशल एक अच्छे दोस्त को इनवाइट किया है, आदित्य जोशी, जो कि रिसेंटली ओरेकल में प्लेस हुए हैं। तो इनकी पूरी जर्नी अपन जान रहे होंगे, कैसे प्लेसमेंट की प्रिपरेशन से लेकर आखिरी तक पूरा सब कुछ। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जोशी भैया, बताइए अपने बारे में कुछ। तो या हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी एंड आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। आई एम करेंटली इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीटेक एट SBNIT एंड आई एम रिसेंटली प्लेस्ड इन ओरेकल एंड आई लव टू डांस सिंग एंड दैट्स इट अबाउट मी। ये बहुत कम चीजें बताई, बाकी बहुत भी अपने अच्छे स्किल्स वाले बंदे हैं। तो ठीक है, तो अब बढ़ते इंटरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन सिलेक्ट होने से पहले सबसे पहले ये था कि जब प्लेसमेंट वर्ड आपने सुना, और जब भी सुना, आप कौन से ईयर में थे और उसकी क्या पीछे की जर्नी रही थी, क्यों आप मजबूर हुए कि प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना पड़ेगा, तो उसका क्या पीछे की एक स्टोरी थी वो? एक्चुअली पहले फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन निकला और सेकंड ईयर का भी हाफ ऑनलाइन निकला, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो ऑनलाइन निकला। तो उस समय मैं इतना प्रिपेयर नहीं कर पाया, उस समय थोड़ा ऐसा था कि कोरोना चल रहा था, सब थोड़ा आलस वालस में निकल गया था पूरा, तो इतनी प्रिपरेशन हुई नहीं थी। और फिर मैंने सेकेंड ईयर के एंडिंग में स्टार्ट की थी कोडिंग वगैरह, तो उस टाइम मतलब स्टार्ट की थी, इसलिए मुझे इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था कि इंटर्नशिप वगैरह का वो सब भी लगेगा या फिर ऐसा है। उस समय आई वाज लाइक कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन अभी थोड़ी कम है तो मुझे अब स्टार्ट करना है, प्रिपेयर करना। आपको ये आया कहाँ से कि तैयारी करना पड़ेगा, लोगों का देख के कि आपको खुद, मतलब फर्स्ट ईयर जब आप एंटर किया तो पता था आपको कि कोडिंग वगैरह करने वाले? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो इतना कुछ भी दिमाग में नहीं था कि मेरे को ये करना है, कोडिंग मतलब इतने प्रॉपरली स्टार्ट करनी है, ऐसा कुछ भी था नहीं। लेकिन सेकंड ईयर आते आते मेरा ग्रुप ही ऐसा था कि उसमें काफी लोग कोडिंग करते हैं, मतलब प्रो लोग एकदम कोडर्स वगैरह, तो उनको देख के काफी मेरे को मोटिवेशन मिलता था और थोड़ा सा ऐसा इन्फ्लुएंस होता था कि हाँ, मुझे भी करना है आगे कुछ बढ़िया। तो सेकंड ईयर एंडिंग में मैंने कोडिंग वगैरह स्टार्ट करी और फिर थर्ड ईयर तक आते आते पूरा मतलब कंसिस्टेंट भी रहा काफी, बस एग्जाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता था, छोड़ देता था, बाकी हाँ थर्ड ईयर में काफी मेहनत करी अच्छे से और स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा क्लियर करते हुए अच्छे से पूरी कोडिंग करी और एंड तक आते आते काफी अच्छे क्वेश्चन हो गए थे। तो या ऐसे ही कुछ, मतलब देख लो, एक साल के पीछे की मेहनत की, मतलब सेकंड ईयर के बाद स्टार्ट किया था आपने एंडिंग में, और साथ साथ में वेब डेवलपमेंट भी किया था, तो दोनों को मिक्सअप करके चलना था। तो हाँ, तो अब ये एक इनके पीछे की स्टोरी थी कि क्यों इन्होंने तैयारी चालू करी। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी जैसा कि इन्होंने बताया कि ओरेकल में इनकी प्लेसमेंट हुई है, ओरेकल के बारे में सब कुछ जानेंगे। अब इंटरव्यू का मेन पार्ट यहाँ स्टार्ट होता है। ओरेकल कब आई थी हायर करने के लिए, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो भी था, एक बार शॉर्ट में? ओरेकल अपनी अगस्त में आई थी, तो 7 अगस्त से थी उसका इंटरव्यू प्रोसेस था। पहले ओए हुआ था जिसमें कि उन्होंने एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे और बीएससी के क्वेश्चन पूछे थे। तो ओए क्लियर करने के बाद मतलब टोटल 87 लोग जो थे वो सिलेक्ट हुए थे स्टूडेंट्स। ये कंपनी सारी ब्रांचेस के लिए आई थी और 7 से ऊपर CGPA होने चाहिए थी, ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो फर्स्ट राउंड के बाद ओए के बाद मतलब कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे? लाइक पहला टेस्ट आपने बताया नॉर्मल ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, ओए ओए था पहले, तो वो तो स्टार्टिंग में कोडिंग राउंड हो रहे थे। उसके बाद 7 अगस्त को हुआ था पूरा ऑफलाइन इंटरव्यू, जिसमें टोटल 4 राउंड्स थे। मतलब पूरा दिन लग गया था, सुबह हम 8 बजे निकले थे, 8:30 करीब, और 9 बजे PPT थी। तो पहले PPT हुई, फिर कंप्लीट प्रोसेस। PPT वर्ड है ये क्या, मतलब एक छोटा सा बताया डिफाइन करके, PPT वर्ड क्या होता है उसमें? PPT में उसमें आप कंपनी के बारे में बताते हैं, कंपनी जो वहां से जो भी आते हैं वो कंपनी के बारे में बताते हैं कि उनकी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, और बाकी जो भी डिटेल्स होती है जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होती है, वो सारी चीजें बताते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी पूरे इंप्रेशन एक्सप्रेशन सब कुछ क्रिएट करने में। कोई स्टूडेंट इंटरेस्ट ले कंपनी को ज्वाइन। हाँ, तो ये 4 राउंड हुए और एक एप्टीट्यूड राउंड हुआ जो पहला, मतलब कुल मिला के हायरिंग प्रोसेस में 5 राउंड हुए थे। तो अब अपन जानते हैं कि जो इसने प्रोसेस बताया कि 4 इंटरव्यूज हुए थे, एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग विद द ऑनलाइन टेस्ट, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछी गई थी और कितने मिनट का था, एक बार जो भी था आप बता दें। ऑनलाइन टेस्ट में ऐसा था कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे थे पहले, जो कि MCQ टाइप एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो होते हैं। और उसके बाद 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। टाइमिंग लेंथ क्या थी टेस्ट की?
2 घंटे में काफी सही टाइम है, लेकिन क्वेश्चन भी काफी ऐसे थे कि हाँ सोच समझ जानते क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। एप्टीट्यूड का लेवल क्या था, कुछ टॉपिक वगैरह याद है किस टाइप के क्वेश्चन? एप्टीट्यूड का लेवल काफी ठीक था, जैसे नॉर्मली लेवल होता है एप्टीट्यूड का वैसे ठीक था। बाकी कोडिंग का जो था वो थोड़ा अच्छा लेवल था, मतलब अलग अलग सेट्स बना रखे थे उन्होंने कि मतलब कोई सेट थोड़ा डिफिकल्ट भी था, जैसे एक क्वेश्चन आया था वो पीएनसी का था, तो कोडिंग क्वेश्चन तो वो काफी मैथमेटिकल क्वेश्चन जो रहते हैं थोड़े से सोचने में उनको टाइम लगता है, और इनसाइड काफी कई सेट ऐसे थे जिनमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन भी थे, तो यार थोड़ा बहुत वेरिएशन था। लेकिन वो दो कोडिंग क्वेश्चन के टॉपिक याद है आपको? दो कोडिंग क्वेश्चंस थे, तो उनमें से एक तो पीएनसी का था जो नॉर्मल मैथ्स परम्यूटेशन वगैरह का उनसे रिलेटेड था, तो वो पूरा मैथमेटिकल पूरी जो भी पैटर्न मतलब वो सॉल्व करके फिर उसपे कोड लिखना था, और दूसरा वेब डेवलपमेंट बेस था जिसमें एपीआई के रिलेटेड पूछा हुआ था, तो अपने को पूरा जैसे एपीआई का एक पूरा लिंक दे रखा था तो उसमें फैच करके और पूरा डेटा लेना था, इस टाइप का थोड़ा वेब डी साइड था, वेब डी था कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये काम आया होगा, आपके टाइम आएगा तो आप इन चीजों का जैसे प्रिपेयर कर लेना। तो राउंड वन यहाँ पे खत्म हो गया था, 2 घंटे की टेस्ट तो तीन मतलब सारी ब्रांच अवेलेबल थी, बहुत सारे बच्चों ने दी होगी। हाँ। तो कितने लोग राउंड वन क्लियर कर पाए थे? टोटली 87 स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हुए थे आफ्टर ओए ऑनलाइन असेसमेंट, और फिर उनमें से 7 अगस्त को इंटरव्यू प्रोसेस था पूरा, तो उन सब में से फिर चढ़ते चढ़ते 9 स्टूडेंट्स बच गए एंड फाइनली सिलेक्टेड हुए। सब पूरा एक डिटेल में जानेंगे अभी अपन आराम से। तो 87 लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर किया और इंटरव्यूज के लिए क्वालिफाई किए। तो अब पहला इंटरव्यू आपका जो राउंड हुआ, 4 राउंड हुए, इसमें से पहला इंटरव्यू राउंड कौन से किस मतलब टेक्निकल राउंड था बेसिकली? हाँ टेक्निकल, पूरा टेक्निकल। तो टेक्निकल राउंड था, उसमें आपको किस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था पहले राउंड का? पहला राउंड पूरा टेक्निकल था और मोस्टली डीएससी के क्वेश्चन पूछे थे, 3 डीएससी के क्वेश्चन पूछे थे उसमें, और वो मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं अभी, थोड़ा सिंपल से थे मतलब, और उसमें बीबीएमएस भी पूछा गया था जिसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वो सब प्रैक्टिकली कैसे जो भी कंपनीज होती है उसमें इम्प्लीमेंट करती है, क्या फायदेमंद रहता है, कैसे रहता है, मतलब पूरा डीबीएमएस का थोड़ा प्रैक्टिकल चीजें उन्होंने पूछी थी। और कोडिंग की बात करें तो 3 तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें एक तो मैट्रिक्स को स्पायरली प्रिंट करने का क्वेश्चन था, अच्छा तो वो काफी इजी सा होता है देखा जाए तो, और रिकर्शन बेस्ड भी था वो, मतलब उसकी दो अप्रोच पूछी थी उनने, या तो रिकर्शन से करके दिखाओ या आइटरेटिव मेथड से करके दिखाओ, और पूरा मतलब जो कोड था वो पेपर पेन पे करना था आपको लिखना था ऐसे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, आपका ऑफलाइन इंटरव्यू था तो वहाँ पे कुछ लैपटॉप वगैरह नहीं था? लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी लेके नहीं जाना था, बस वो क्वेश्चंस पूछते हैं और उसका आपको कोड लिखना पड़ता है, पेपर कोड लिखना पड़ता है पेन पेपर पूरा एग्जैक्ट कोड ने पूछा था, लेकिन अगर बायचांस आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा आप सूडो लिख के भी बता सकते हो, ऐसी कोई इंटरव्यूज काफी अच्छे थे, काफी चिल थे। हाँ मेन ये, अगर कोई पैनिक करता है तो वो सपोर्टिव भी होते हैं, काफी सपोर्टिव रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू में जाने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि आप किसी बर्डन में हो या फिर आपको कोई दबाव डाल रहे हैं, आपके हिसाब से वो एडजस्ट भी हो जाते हैं काफी अच्छे से और आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं पूरा। ऑब्वियसली उनको बंदे लेके जाने मतलब अपनी कंपनी के लिए, तो बिल्कुल काफी अच्छा इंप्रेशन था। और बाकी कोडिंग क्वेश्चंस में पैरेंथेसिस मैचिंग का उन्होंने पहले पूछा, तो उसको उसका आंसर देने के बाद उन्होंने थोड़ा उसको और मॉडिफाई कर दिया कि जैसे पैरेंथेसिस तो आपको वैलिडेशन चेक करना ही है, उसके साथ फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन भी डाल दिया स्ट्रिंग का, तो उसने आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह वो सब डाल दिए और आपको चेक करते करते ये बताना है कि आंसर क्या आएगा, वो सब तो उसका भी कोड लिखवाया उन्होंने पूरा, तो उसे थोड़ा उन्होंने लेवल बढ़ा के चेक कर लिया, ऐसे 3 क्वेश्चन पूछे और थोड़ा डीबीएमएस पूछ के और राउंड वन एंड कर दिया। कितना मिनट लगभग चला था पहला राउंड? फर्स्ट राउंड करीब 45 मिनट अप्रोक्स, 45 मिनट। अब राउंड टू की तरफ बढ़ते हैं, राउंड टू भी टेक्निकल? राउंड टू भी टेक्निकल था। क्या फर्क था राउंड वन और राउंड टू में? राउंड टू में थोड़ा डिफरेंस था बेसिकली, उन्होंने पहले तो पूरे टेक्निकल डीएसए के सवाल पूछे थे और एसक्यूएल वगैरह उन्होंने राउंड टू में पूछे और मेरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था राउंड टू में उन्होंने। अच्छा। जो कि थोड़ा वेरी कर देता है, मतलब डीएसए तो पूछा ही था राउंड टू में भी, और डीएसए का थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा था ऐसे पूरा, जैसे एक स्ट्रिंग्स दे रखी थी बहुत सारी और उनमें से टाइमिंग वगैरह और डेट वगैरह का पूरा डेटा था और एक बुकिंग ऐप थी तो उसमें से आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट जिसने बुकिंग करी है वो सब निकालना था, वो डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिया था उन्होंने। बाकी एक और क्वेश्चन पूछा था वो एल्गोरिथम्स पे सॉर्टिंग वगैरह को भी था,
और उसके अलावा फिर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने पूछा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट उनको थोड़ा एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने बोला कि आपने खुद ने बनाया है तो फिर या ऑब्वियसली ये प्रोजेक्ट मैंने खुद नहीं बनाया था, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर भी पाया उनको पूरा कि अंदर से मैंने क्या किया, कैसे इम्प्लीमेंट किया उसको। राइट, और फिर मोस्टली प्रोजेक्ट से वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अंदर जैसे ये फंक्शन कैसे इम्प्लीमेंट किया, या फिर आपने ये बटन दबा रहे हो तो यहाँ से पूरा प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, आपने किस तरह का कोड लिखा हुआ है, पूरा एक क्रॉस चेक कर लेते हैं कि सच में आपने बनाया है। हाँ, वो बिल्कुल, अगर आपने खुद ने बनाया होता है ना तो फिर आपका आंसर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, तो वो क्योंकि आपने उस पे टाइम इन्वेस्ट किया। बिल्कुल, ऑब्वियसली तो आपका राउंड टू मतलब प्रोजेक्ट बेस्ड उसके बाद उन्होंने एसक्यूएल क्वेरी पूछी जिसमें उन्होंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन फ्रेम कर रखा था। ऐसे नॉर्मल था क्वेश्चन, सब क्वेरी से रिलेटेड था और वर्कर आईडी वगैरह वो सब चीजें दे रहे थे, और फिर एक सब क्वेरी लिखनी होती है पेपर पेन पे बोर्ड करके, उनको एक क्वेरी लिख के बता दो तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, मतलब तीन चीजों पे था, डीए से थोड़ा बहुत, प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात हुई, एसक्यूएल के क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, तो राउंड वन राउंड टू यहाँ पर दोनों खत्म हो गए इसी के साथ, टेक्निकल वाले राउंड। तो जोशी भाई आपने पता है सिलेक्ट हुए तभी इंटरव्यू चल रहा है, तो अगले राउंड में फिर एंटर करते हैं। ये लंबा प्रोसेस था, नॉर्मली जनरली ज्यादातर कंपनीज का एक टेस्ट होता है, दो इंटरव्यू होते हैं उसी में खत्म हो जाता है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। हाँ, मतलब राउंड वन भी 45 अप्रोक्स चला था, राउंड टू भी काफी टाइम लगा था, उसमें भी 40-50 मिनट्स आराम से लगे। ठीक है, तो देख लो भाई अपने आप को सब बना के रखना पड़ेगा तुम लोग को भी। ठीक है, तो राउंड थ्री की तरफ बढ़ते हैं अपन। 87 लोग में से आप कितने लोग लगभग बचे होंगे जो राउंड थ्री तक पहुंचे थे? अप्रोक्स 20 स्टूडेंट्स आई थिंक, मतलब 20 जितना मैंने देखा था, 20 के आसपास लोग थे, जो टोटल 87 में से 20 निकल गए थे, तो काफी लकी रहा ऐसे। राउंड थ्री में बेसिकली पजल्स वगैरह का था, एपिसोड वगैरह का थोड़ा, तो पजल्स पूछे गए थे पूरे, पजल्स मतलब आपका माइंड वगैरह चेक करने के लिए। हाँ, एप्टीट्यूड वगैरह की आपकी सॉल्विंग कैपेबिलिटी कैसी है, तो जानते हैं ना क्वेश्चन वगैरह भी जान लेते किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पजल्स में बेसिकली बहुत वेरिएशन रहते हैं, मतलब बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो उन्होंने टॉर्च, जैसे एक टॉर्च ब्रिज वाला क्वेश्चन था जो काफी कॉमन रहता है, वो पूछा था। एक थोड़ा मैथमेटिकल सा सवाल था कि दो नंबर ले दिए जैसे 7-7, तो उससे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ पर्टिकुलर नंबर बनाना है, 49 बनाना, तो आंसर आपको इंस्टेंट देना होता होगा। इंस्टेंट नहीं, वो बहुत अच्छा टाइम प्रोवाइड करते हैं आपको सोचने के लिए, वो आपको क्वेश्चन देते हैं, वो चाहते हैं कि आप सोचो, और भले ही आपको नहीं भी आ रहा है लेकिन You just try, मतलब आपको मतलब आंसर मैटर नहीं करता पर अप्रोच मैटर करती है, अप्रोच मैटर करती है, वो आपको पूरा देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर पूरा आंसर देना ही है, लेकिन आप कितना उस पर ट्राई कर रहे हो, कितना आप लगे हुए हो, आपकी डेडिकेशन कितनी है, और फिर आप पूरा सही आंसर दोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो ये कितनी देर चला था? ये चला था 30 मिनट्स, मतलब सबका राउंड वन राउंड टू राउंड थ्री का पूरा एडिशन करके और फिर ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं। Obviously, उस मोमेंट पे और पजल्स की दुनिया तो बहुत बड़ी, प्रिपरेशन करने जाए तो बहुत सारी चीज है, तो बिल्कुल क्या पूछ ले कुछ आइडिया नहीं। पजल्स का प्रिपेयर कर सकते हो जैसे जीएफजी वगैरह पे, पजल्स में एक्चुअली मुझे पहले से पता नहीं था कि पजल्स वगैरह भी होंगे, तो मैं उस हिसाब से पजल्स प्रिपेयर नहीं करके गया था, लेकिन हाँ अगर आगे से ध्यान रखना मैं सबको भी इतना चाहता हूँ कि जीएफजी वगैरह से बहुत सारे पजल्स होते हैं तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वैसे, और रैंडमली इंटरव्यूज में वही ज्यादातर पूछ लिया। हाँ, मतलब आप पजल सॉल्व करोगे तो मोस्टली वो उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो काफी हाई चांस हो जाते हैं। तो राउंड वन टू टेक्निकल बेस रहा था, राउंड थ्री अपना पजल बेस रहा था, तो अब राउंड थ्री भी अपन क्लियर कर लेते हैं। तो राउंड फोर में मतलब तुम्हारा एचआर राउंड हुआ, एचआर राउंड कैसा हुआ था? एचआर राउंड हाँ, एचआर राउंड बहुत ही शॉर्ट था, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा बिठा गया आपको, ऐसा पूरा बिठा के अच्छे से पूछा था, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, 2 मिनट 3 मिनट ऐसा, 1 मिनट। उनको बेसिकली एचआर राउंड में आपको ये चेक करना था, आपके बारे में पूछना था कि आप आपका नेचर कैसा है, वो सब कैसा, ऐसे पर्सन आपको जानना, आंसर वगैरह कैसे दे रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चंस कैसे, पर्सन कैसे हुआ, और तो यहाँ जाके लंबा सा दिन आपका खत्म हुआ और चारों राउंड खत्म हुआ। हाँ, और उसके बाद वो वाला पीरियड आया लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट वाला, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे थैंक यू उस मोमेंट के लिए, क्योंकि अभी अपन उसको रिकैप कर रहे हैं, तो जब कैसा था जब वो फाइनल लिस्ट लेकर आए, आप आपका रिएक्शन क्या था जब आपका नाम आपने सुना? सबसे पहले मेरे पूरे बैच में 3 आदित्य थे, आदित्य काले आदित्य सबका नाम ले लिया था। एंड में पहले आदित्य नहीं थे, लेकिन शुरुआत में बहुत सारे आदित्य थे, तो आई वाज लाइक पूरा नाम बोलना तब जाके मैं आ गया। तो पहले सबसे पहले नाम आया कि आदित्य, तो फिर ऐसे मतलब पूरी 9 लोगों की लिस्ट नहीं थी, तो एंड में
पूरा 11 बज चुकी थी एंड ऑफ द डे, तो 11 बजे 11:30 बजे तक रिजल्ट आया था पूरी लिस्ट में जितने भी नाम थे सबको मैनिफेस्ट किया और साथ में पूरी फोटोज वगैरह ली और मतलब खूब उस टाइम तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, काफी मजा आया और उस समय मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ कोई लेकिन हाँ मतलब पीछे की पूरी मेहनत आपको याद आ रही होगी। पूरी याद आई जैसे ही मैं बाहर निकला वहां से लाइब्रेरी से इंटरव्यू देके, तो मैं सब कुछ पीछे से लेके आगे तक सब सोच लिया मैंने, मतलब इतनी सी देर में मेरे को पूरी लाइफ एक बार मैंने रिवाइज कर लिया, रिवाइज कर ली क्योंकि क्या क्या चीज है करी है इस चीज को पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा इसने बताया था कि सेकंड ईयर के एंड से, तो ये प्रोसेस एक सिर्फ इंटरव्यू का नहीं था, इसके पीछे 1.5 साल की मेहनत। बिल्कुल बहुत मेहनत थी, मतलब सुबह तक मैं रात को पूरे 4-4 बजे तक भी पढ़ाऊँ 5-5 बजे तक भी पढ़ाऊँ, तो काफी मेहनत बहुत करी है क्योंकि मैं जानता था कि मैंने बड़ी थोड़ी लिस्ट स्टार्ट किया मैंने करनी जितनी एक साल में कवर कर पाऊंगा। तो जिस दिन आप अपने आप को जान लेना कि आप किस चीज के लिए बने हो तो बिल्कुल बिल्कुल कर दो, बाकी सब लक भी होता है, काफी हद तक लक भी मैटर करता है। और एक इम्पोर्टेंट, इसका पहला इंटरव्यू था, लाइफ का पहला इंटरव्यू था। हाँ ये है, मतलब मैंने कभी इंटर्नशिप में भी इंटर्नशिप भी नहीं की मेरी कभी, हाँ। इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब कभी गया भी नहीं था, तो जिंदगी में पहले इंटरव्यू दिया था मैंने और पहले ही अच्छा हो गया, पहले भी निकल गया, तो काफी ऐसा एक्साइटमेंट सा खुशी सी है। बिल्कुल हम भी इतना ही खुश हुए थे। तो यहाँ देख लिया भाई कैसा लगता है जब आपको कुछ अचीवमेंट मिलती है, तो प्लेस्ड हो गए अपन यहाँ पे, सारी स्टोरी खत्म, इंटरव्यू का प्रोसेस अब लगभग ये हो गया, तो अब एक दो क्वेश्चन और पूछेंगे अपन। हाँ तो अगला क्वेश्चन मेरा ये था कि अब जो रिसोर्सेज आपने यूज करे थे प्रिपरेशन के लिए, वो एक बार, क्योंकि जो लोग अभी तैयारी चालू करेंगे उनको पूरा रैंडमनेस होता है कि कैसे पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, तो आप एक बार अगर आपको ये सक्सेस मिली है इसके लिए, तो आपने तैयारी कैसे करी थी जो भी बता। तैयारी बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था कोडविज एरी से, और मतलब पहले बेसिक चीजें पूरा अच्छे से बेस क्लियर किया, सबसे पहले मैंने सी लैंग्वेज सीखी थी, मतलब मन था मेरा सी सीखने का, तो मैंने पहले सी लैंग्वेज सीखी नॉर्मली, लेकिन इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा उसमें, फिर सी प्लस प्लस चालू कर दी कोड वगैरह से पूरे बेसिक वगैरह क्लियर करे, और उसके बाद फिर मैं जीएफजी पे कोडिंग करने लग गया, और मतलब पैरेलली कोडिंग निंजास मेरे को काफी अच्छा लगता था। कोई कोर्स लिया था आपने कोडिंग निंजास? कोर्स नहीं लिया था, लेकिन उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स अवेलेबल होते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियोस वगैरह भी देख सकते हो, तो वो टॉपिक्स के मैंने वहीं पे क्वेश्चंस भी करे थे और काफी अच्छा भी था उनका पूरा पढ़ाने का सिस्टम, काफी अच्छा है कोडिंग निंजास का, तो थोड़ा रिकर्शन वगैरह जैसे हुए तो टॉपिक्स मैंने वहां से कवर कर लिए थे, और फिर जीएफजी पे उनकी सेम क्वेश्चंस जो भी सिमिलर रहते हैं या फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने में, तो जीएफजी पे मोस्ट मतलब मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चंस जीएफजी पे करे और थोड़े कोडिंग निंजास पे करे, तो ऐसे उसके बाद लीड कोड भी करा था, लेकिन लीड कोड तो मैं रिसेंटली आया था, मतलब ज्यादा क्वेश्चन लीड कोड पे करे नहीं है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आप कोई भी चूज कर लो उसमें कोई ऐसे, हाँ, चार जगह इधर उधर से अच्छा एक, हाँ मतलब एक दो प्लेटफॉर्म जो भी आपको अच्छा लगे, ऐसे कोई मतलब प्लेटफॉर्म ओनली सिर्फ इंटरफेस ऐसे क्वेश्चन तो सेम सेंस रहते हैं, आप लो बबर लगाओ आप एस डी लगाओ, तो मैंने पहले एस डी शीट ही करी थी, स्ट्राइवर की शीट करी थी, एस डी शीट करी थी, फिर उसके बाद लो बबर की भी लगाई थी, तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, उससे बेसिक्स काफी अच्छे क्लियर हो जाता है, स्टार्टिंग में सब वही करते हैं, कंसिस्टेंट तो रहने पड़ता है इन फील्ड ऑफ कोडिंग, क्योंकि अगर आपका छूट जाता है ना तो फिर आपने जितनी मेहनत करी होती है ना पहले, वो सारी एक समय के लिए आप वो सारा कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, फिर आपको वापस से उस लेवल पाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बीच बीच में कंसिस्टेंसी को खत्म नहीं करना चाहिए, मतलब क्वेश्चन करते रहो, भले ही एक रेगुलरिटी मेंटेन रखनी चाहिए, चलो ठीक है हफ्ते में एक लगा लिया, एक दिन लगा लिया, एग्जाम भी चल रहे हैं तो भी हफ्ते में एक बार तो लगा ही लो, ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थी इनकी प्रिपरेशन कहाँ से करी, आपको हेल्प किया होगा आई होप। हाँ वेब डी का भी थोड़ा है, वेब डी का नहीं बताया मैंने, वेब डी का एंजल आईयू का कोर्स था जो कि मैंने खरीदा नहीं था लेकिन पायरेटेड पूरा था, तो उससे मैंने देखा था, और उससे बेसिक क्लियर करने के बाद आप जैसे यूट्यूब पे काफी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो उनसे आप प्रोजेक्ट्स एक बार सीख सकते हो बनाते कैसे हैं, फिर खुद से बनाया मैंने पूरा प्रोजेक्ट खुद से बनाया था पूरा, कोई सोर्स भी नहीं थे उसकी, तो काफी थोड़ा यूनिक सा बनाने की कोशिश कर रहा था मैं, क्योंकि ई कॉमर्स वगैरह काफी कॉमन होते हैं, रियल लाइफ बेस आप रियल लाइफ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया था, तो पहले बेसिक्स क्लियर करने के बाद आप खुद से प्रोजेक्ट बनाओ तो काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इंटरव्यू को भी ये लगता है कि आपने खुद ने कुछ किया है, प्रोजेक्ट तो एक अलग इंप्रेशन। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ हो गया ये सब, अब आखिरी क्वेश्चन अपने इंटरव्यू का, उसके बाद अपन एंड कर देंगे, लंबी वीडियो हो रही है थोड़ी सी और बहुत ही यूजफुल वीडियो है,
और मतलब आखिरी क्वेश्चन यही है कि अभी जो अपने देखने वाले ऑडियंस है मेनली फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर वाले हैं अपने कॉलेज के या बहुत सारे कॉलेजेस के, तो उनको जो है तैयारी शुरू करनी है अभी, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, तो क्या एक मैसेज देना चाहोगे आपकी प्लेसमेंट के लिए कैसे उनको अप्रोच करना है? फर्स्ट ईयर के लिए तो मैं कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर है तो प्लेसमेंट के बारे में इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है, अभी पूरा एंजॉय करना है लाइफ को, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमने देखा नहीं ऑनलाइन तो हमें भी काफी ऐसा लगता है कि फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप एक्सप्लोर करो खुद को, एंजॉय करो, तो प्लेसमेंट वगैरह का आपको सोचना, सीरियस रहना है लेकिन एंजॉय भी पूरा करना है। सेकेंड ईयर से आप सोच सकते हो कि मुझे चालू करना है, बाकी ऐसा कुछ लेट नहीं होता है, आप कभी भी स्टार्ट करो, लेकिन थोड़ा बहुत तो पहले करना रहता है ऑब्वियसली, लेकिन आप जब भी स्टार्ट करो तब पूरा सीरियस लगे करो, अच्छे से करो, और कॉलेज में हो तो सिर्फ ऐसा प्लेसमेंट तो है नहीं टारगेट, अपने आपको ओवरऑल पर्सनालिटी भी बिल्ड करनी होती है, तो यहाँ पे कॉलेज में आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसके बाद कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की, तो यहाँ पे हर चीज को, या एकेडमिक हो या फिर नॉर्मल पर्सनल लाइफ हो, तो सबको एक्सप्लोर करना चाहिए थर्ड ईयर से भी, या फिर स्टार्टिंग से सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हो अपने, और जब चालू करो तो अच्छे से करना है, काफी अच्छे से करना है, और सुमित सर हैं इसे गाइड करने के लिए। अरे बिल्कुल। तो आपको कोई भी जैसे कहीं पे भी कोई डाउट है, या फिर कोई भी कंपनी के बारे में किसी से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आपको किसी को भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनको कर लो, आपको सारी कंपनी मिल जाएगी कॉन्टेक्ट करने के लिए। अरे अपने अच्छे अच्छे लोग हैं अपने पास बिल्कुल हेल्प करने के लिए, ये मोटिव ही है पूरी सीरीज का कि जो देखेगा वो उससे किसी को भी फर्क पड़ता है तो अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे फाइनली पूरा प्रोसेस अपना खत्म होता है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, बहुत चीजें आपको जानने को मिली होगी, और अब एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, मेरा पर्सनल कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस पूरा इंटरव्यू का? हाँ ये काफी अच्छा है और मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। बिल्कुल। और इनको आपको काफी सपोर्ट भी करना चाहिए, काफी इनके वीडियोस को काफी अच्छे से देखिए, शेयर करिए, क्योंकि आप ये जो वीडियो बना रहे हैं ये आपके सही में काफी काम आएंगे, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस कम ही होते हैं जो आपको ऐसे इंटरनली पूरी अच्छे से पूरी सारी डिटेल्स देते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह क्या हुआ, और इससे आपको आने वाले टाइम के लिए काफी फायदा मिलेगा, तो जो ये काम कर रहे हैं वो काफी अच्छा है, इनको पूरा सपोर्ट करिए, कहीं पे मिले तो हाय हेलो। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ अपन इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको कुछ भी वगैरह डाउट हो Oracle से रिलेटेड, प्रोसेस हायरिंग वगैरह, प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, जोशी अपने हेल्प कर देंगे, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और शेयर वगैरह कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, टिल देन गुड बाय बाय।